अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये तीन लोग बैठे हुए हैं एक फ्रेम के अंदर और ये क्या बातें करने लगे हैं और कहाँ से इनको ये आज आमद हो गई है कि ये तीनों बैठ कर एक टॉपिक के ऊपर बात करें। लेकिन एक आपको थोड़े से बुद्धा स्टाइल में लग रहे होंगे और एक आपको थोड़े हैप्पी फेस दिख रहा होगा, जैसे किसी को इंस्पायर करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं बड़ी परेशान हूँ आजकल कि चल क्या रहा है ये, मतलब एक इट पुटो ट्रेनर वाला कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। हर ईंट निकालो उसके अंदर से एक मोटिवेशनल स्पीकर निकल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट अदारे ABC बन चुके हुए हैं और समझ नहीं आ रही कि मतलब व्हाट दे वांट टू एक्चुअली अचीव। हम सुनते थे बिगिन विद द एंड इन माइंड, लेकिन अगर बात किया जाए कि जी कहते हैं कि जी हार्ट्स को शेक कर रहे हैं या माइंड को शेक कर रहे हैं, यूथ को ट्रेन करना चाहते हैं, डू दे हैव द केपेबिलिटी एक्चुअली टू ट्रेन द यूथ और नॉट, ये मैं बड़ी परेशान हूँ। और इसी परेशानी की वजह से वी थ्री डिसाइडेड, यू नो, द बुद्धा साहब एंड द चीफ इंस्पायरिंग एंड मी द करियर बाजी में भी के करना क्या है। मतलब अच्छा, अगर करना है, हम अब एक कॉन्सेप्ट हम लेकर आ रहे हैं वॉबल हार्ट्स का, और पता नहीं ये भी रिलेवेंट है कि नहीं, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों की थॉट्स एंड कमेंट्स चाहिए होंगे कि बेसिकली अब ज़्यादा फोकस चला गया है इंटरटेनमेंट के ऊपर। भाई अब हर बंदा तो टिकटॉकर नहीं होता है, हर बंदा जो है वो ना डांस कर सकता है ना वो मेकअप की लाइफस्टाइल की चीज़ें बना सकता है। कुछ सीरियस लोग भी होते हैं, उन कॉन्टेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे मेरे ख्याल से दोनों का ब्लेंड बनाकर आप कोई चीज़ ऐसी लॉन्च कर सकते हो कि वो लोगों के दिलों पर असर करे। तो आज हमारे पास दो शख्सियात मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद साहब इज़ बेसिकली द चीफ इंस्पायरिंग ऑफिसर एट आइडिया ट्रेनिंग्स, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर अब इनके टाइटल से रिलेवेंट। और एक हमारे पास हैं जी चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर मिस्टर खालिद नकी फ्रॉम द ट्रांसमाइंड स्टूडियोज़। और दोनों के टाइटल्स तो बहुत फैंसी हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये करने क्या लगे हैं और क्या इनको शौक क्या पड़ा, क्या आमद हुई कि आप लोगों ने आगे चलो वॉबल हार्ट्स लॉन्च करते हैं। तो खुर्रम साहब, वुड लाइक टू कमेंट ऑन इट? बड़ा इसने टेढ़ा सवाल नहीं कर दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने एक दिल की बात शेयर की है और उन्होंने नाजरीन के दिल की बात शेयर की है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और कुछ लोग समझते हैं कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जो इस वक्त ट्रेनर्स हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। कुछ समझते हैं वो दूसरों की लाइफ तब्दील कर रहे हैं, कुछ समझते हैं कि ये शोबिज़ की तरह एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फील्ड है और हम सबको इस पे जाना चाहिए, और कुछ किसी से इंस्पायर्ड है और कुछ किसी के बारे में बैड थाट्स रखते हैं। तो मार्केट में एक अजीब सी सिचुएशन है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट अब एज अ कॉन्सेप्ट आ गया है और ट्रेनिंग्स की बात हो रही है, तो क्योंकि ट्रेनिंग्स के बाद मैं देखता हूँ कि लोगों की ना इंडिविजुअल लाइफ में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, ना उनकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा ओनरशिप नज़र आ रही है, और लाइक वाइज ऑर्गेनाइजेशन की भी एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हो रही कि मैंने ट्रेनिंग भी भेजा था, स्पेंड सो मच मनी ऑन इट। तो उसका टेक अवे किया है, व्हाट इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट, जिसको ROTI बोलते हैं, ROTI, इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स, रिलैक्सेशन देनी है। फिर IT इंडस्ट्री आई जिसके ऊपर मैन आवर्स के ऊपर बहुत फोकस है, और मैन आवर्स ही प्रोडक्टिव मैन आवर्स इज अ वर्ड, तो उसके लिए दे आर ट्राइंग टू गिव देम रिलैक्सेशन टाइम बाय टेकिंग देम आउट, थोड़ा घुमाना फिराना, टूरिज्म हो रहा है और कंपनी में बर्थडे सेलिब्रेट हो रही हैं, लेकिन ये सब गेमिक्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सरसाइज नहीं है। रिलैक्सेशनल ज़रूर हैं, फॉर द टाइम बीइंग आपको रिलैक्स कर देती हैं एंड उसमें नहीं अच्छा, आई डोंट थिंक इसमें कोई हार्म है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं भेजें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर। हेल्दी सोल माइंड हार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और फिर लोगों को भी एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगता है कि यू नो दे फील बीइंग वैल्यूड के उनके ऊपर। यू आर राइट, देखिए उसमें भी कंपनी नो कि वी आर सेंडिंग देम ऑन अ रिक्रिएशनल ट्रिप, नॉट ऑन अ ट्रेनिंग ट्रिप। और रिक्रिएशनल ट्रिप पे एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, कि लीडरशिप यू आर गेटिंग मोर एडवेंचरस, कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई रस्से टाप रहा है, एंड उससे लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है।
तो लीडरशिप ट्रेनिंग उसमें भी मिसकंसेप्शंस हैं कि मैं वहाँ से लेट्स सपोज कि मैं ब्रेव हार्ट बन के आ गया, बहादुर होके आ गया कि नो फियर अप्रोच, अब मैं कंपनी में आता हूँ, नो फियर अप्रोच से मैंने उसको ट्रांसलेट कैसे करना है अपने कॉर्पोरेट कल्चर में अपने जूनियर से सीनियर से कलीग्स के साथ, अगर मैं बहुत ही ब्रेव होके आ गया कुडन के लेस एटीट्यूड है तो इट्स अगेन डैमेजिंग फॉर द कंपनी, इट्स डैमेजिंग फॉर द कंपनी कल्चर। तो हमें ना एज अ एम्प्लॉयर एज अ कंपनी बहुत क्लियरली डिफाइन करना है कि हमने क्या करना है। उसमें मेरी सजेशन बड़ी सिंपल सी है, हर कंपनी ने आजकल रिटेंशन का भी चैलेंज है, मैस रेजिग्नेशन का पीरियड है, फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा आ गई, पीपल वांट फ्री, अब वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस देखना चाहते हैं और लाइफ को भी अब वो मोनिटाइज कर रहे हैं, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट रिलैक्सेशन, टाइम विद द फैमिली एंड डूइंग थिंग्स विच दे वांट टू डू। किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को गेम्स खेलने का शौक है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर वर्क लाइफ बैलेंस थिंग। तो करना क्या है सिनेरियो में, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो एक प्रोवाइड किया जाता है एक्सपीरियंस के लिए नॉर्दर्न एरियाज पे, ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है लीडर बनकर वो आगे है, आगे ऑर्गेनाइजेशन ही उसको लीडर के कॉन्सेप्ट में या लीडर के ऑरा में वो देखना ही नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती, वो सर पकड़ के बैठ जाएगी कि क्या करके आ गया। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है और इस टॉपिक पे हम जितनी भी बात करें उसका फ़ायदा तभी हो सकता है उस कंपनी को जब उस कंपनी के अंदर उनका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक अप्रोच के साथ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को सामने रखते हुए डिज़ाइन करके एक स्ट्रेटजी ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी बनाएं और फिर उसको प्रोग्राम्स की सूरत में डाल के उसको बिट्स एंड पीसेस में डिपार्टमेंटल इंडिविजुअल लेवल पे लेके आएं। पाकिस्तान में शायद ऐसी कोई एक कंपनी भी ना हो जो ऐसे काम करती हैं सिवाय चंद एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, जहाँ बाहर से स्ट्रेटजी आती है, इनफ्लो करती है और वो किसी हद तक उसका बेनिफिट लेते हैं। हमारी जो लोकल कंपनीज है उसमें तो ट्रेनिंग नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कोई इंडिविजुअल ही नहीं है। और फिर इसके दो एस्पेक्ट्स है, एक है माइक्रो लेवल पे हम इसका एनालिसिस करें और एक है मैक्रो लेवल पे इसका एनालिसिस करें। सो माइक्रो लेवल पे तो सही है कि किसको क्या ट्रेनिंग मिलनी थी नहीं मिली और सही ट्रेनिंग रॉन्ग ट्रेनिंग और फिर ना मिले बिल्कुल ही, तो उसके तीनों के अपने अपने कंसिक्वेंसेस हैं। लेकिन मैक्रो लेवल पे होना चाहिए और हर कंपनी के अंदर इसके ऊपर काम होना चाहिए। कोई सिस्टम है नहीं, कोई बॉडी है नहीं गवर्नमेंट लेवल पे, जिसका दिल चाहेगा आज अगर उसने सोचा कि मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ तो कल बन जाए, कोई इसको रोक नहीं सकता और हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमें इनकरेज करना चाहिए, एटलीस्ट वो ट्रेनर बन के दूसरों को सिखाने निकलेगा तो मे बी वो कुछ खुद सीख ले। सो इवेंचुअली इट्स अ प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आज आप ट्रेनर बनना चाहते हो तो शायद जितना ट्रेनर आप आज ट्रेनर बनने की कैपेबिलिटीज हासिल करेंगे 20 साल बाद इवेंचुअली वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इसी तरह से हमें ये देखना है कि किस कम लोगों किस कैटेगरी के लोगों को क्या ट्रेनिंग चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपनी ट्रेनिंग में रिलीजियस टच के साथ बात करते हैं तो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, बेशक बाहर निकल के उनको कोई पता ना हो कि उन्होंने किस दीवार में जाके कहाँ टक्कर मारनी है। अब वो मोटिवेशन उस कमरे की हद तक की बाउंड्रीज तक रहती है, वंस यू लीव द रूम सिस्टम नहीं देते। अब कुछ लोग हैं जो सिस्टम देते हैं लेकिन जो सुनने वाले और देखने वाले सीखने वाले हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है उस पर काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे वो नहीं बनना चाहते जापान की वर्कफोर्स के, जहाँ पे आप अगर आप स्टैंड आउट करेंगे तो कहते हैं द नेल विच कम्स आउट विल बी स्ट्राइकन बैक, तो वहाँ स्टैंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ स्टैंड आउट करना चाहते हैं आप, सो कौन सा सेगमेंट पे किस तरह की स्ट्रेटजी कौन सा ट्रेनिंग का मॉड्यूल अप्लाई कर रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समराइज करना और कोई एक सलूशन देना कि सारी कंपनीज ये कर ले वो नामुमकिन है। सो हर कंपनी को चाहिए कि वो खुद डिसाइड करे, वो अपना एक जैसे कल्चरल ऑफिसर है ट्रेनिंग ऑफिसर है इन सब को एचआर के साथ मिल बैठ के डिसाइड करे टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर काम करने के लिए कि क्या चाहते हैं हम। मैं चैलेंज फेस करता हूँ, आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज अप्रोच की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू बात कर रहे हैं। आज हम देखते हैं ये गिगलिंग अराउंड का टाइम है, गिग इकोनॉमी आ गई है, तो एम्प्लॉय भी स्ट्रगल कर रहा है, एम्प्लॉयर भी स्ट्रगल कर रहा है,
और आप दोनों को नहीं पता कि यार हम दोनों को ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा मैं इसमें एक और ऑब्जर्वेशन भी ऐड करूंगी, इन्होंने भी आईडीपीस की बात की, इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एस्टैब्लिश करती हैं। अभी जो मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ कि अभी एक हवा चली है कि जी 2022 इज़ द ईयर ऑफ कल्चर, राइट, और चूंकि ये मास रेजिग्नेशन का एरा चल रहा है इस वक्त, स्टार्ट हो गया है, और नोबडी वांट्स टू रिटेन, गिग इकोनॉमी है, वेरी राइटली सेड। अब इस जनरेशन का एक और भी प्रॉब्लम है, यंग जनरेशन है, तो वो दे फील ऑफेंडेड एट टाइम्स हु दे आर टू ट्रेन अस। तो ट्रेनिंग का वर्ड भी रिलेवेंट है कि नहीं, ये पहली बात तो ये है, राइट? देखो प्रोफेसर गूगल ने ना, जो बहुत सारे लोग हैं जो कि टोटली इग्नोरेंट हैं, उनकी जिंदगी में ये इम्प्रेशन दे दिया है कि वी नो इट ऑल। अच्छा, गूगल के जहाँ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव में ये है कि वो हेडलाइन स्टेटमेंट तो आपको दे देता है, लेकिन उस डोमेन की डेप्थ नहीं दे सकता आपको। गूगल के मिशन स्टेटमेंट है कि जिसपे वो कहते हैं कि वी कनेक्ट यू विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो ये नहीं कह रहे आपको हम ट्रेन भी कर देते हैं, सिखा भी देते हैं, और आपको हम एक टॉप किस्म का रिसोर्स भी क्रिएट कर देते हैं, पूरा डोमेन आपको आ जाते हैं, इज कनेक्टिंग यू। तो गूगल का जो नुकसान इस जनरेशन को हुआ है कि वो कोई भी आप बात करोगे ठाक गूगल करेंगे, एक लाइन पढ़ लेंगे, दे विल रिस्पॉन्ड, तो वो स्ट्रीट स्मार्टनेस आ गई हुई है, उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते। अब आप जब डेप्थ में लेके जाते हो तो दे डोंट हैव द कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, राइट? नाउ कमिंग टू द इंडस्ट्री, आप जब वहाँ पर देखते हो एक आई टी इंडस्ट्री है, दे नीड सर्टेन टाइप ऑफ वर्क फोर्स, इंजीनियरिंग है, सर्टेन मार्केटिंग, सेल्स, एफ एम सी जी है, हर को फाइनेंस है, अकाउंट्स है, एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, डिफरेंट लर्निंग चाहिए। तो ट्रेनिंग का जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि आपने किसी एक चीज़ पे ट्रेन कर लिया, कि आपने अकाउंट्स पे काम करना है, ये सॉफ्टवेयर है, इस पे आपने एंट्रीज करनी है, कोई भी ईआरपी सॉल्यूशन है, व्हाटएवर इट इज, उस पे ट्रेनिंग दे दी, आप उसके ऊपर मैकेनिकली काम करना शुरू हो गए। लर्निंग वो चीज़ है जो आपके इंटेलेक्ट से डील करती है और रेवोल्यूशन की बात करती है, और रेवोल्यूशन उर्दू में बोलते हैं इनकलाब, इनकलाब मीन्स कलब चेंज हो जाना, राइट? तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आप मेंटल ग्रूमिंग कर रहे होते हो, और जितनी अच्छी मेंटल ग्रूमिंग होगी उतना आपका इंडिविजुअल प्लान भी एक्सेलरेटेड पेस के ऊपर आगे जाएगा, उतना तेज आप तरक्की करोगे, बिकॉज इट्स नॉट द आवर फॉर विच यू गेट पेड, इट्स द वैल्यू टू द आवर दैट यू ब्रिंग टू द टेबल which determines how much you should be paid. तो learning and development में जितना मेरा intellect ऊपर जाएगा, जितना मेरा horizon broad होगा, depth and width मेरे में आएगी, empathy आएगी, लोगों के साथ मुझे काम करना आ जाएगा, sharing करनी आ जाएगी, space देनी आ जाएगी, तो मेरा जब अपना individual built up होगा तो मैं एक societal impact भी ला सकता हूँ, और society बड़ी की बात नहीं करते, अपने छोटे से department में, फिर अपने इदारे में, और उसका स्पिन ऑफ इफेक्ट होके ऐसा ही सब फैलता है। तो माय थॉट्स आर कि हमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, और उस पर हमें पेशेंस दिखाना है। ये ओवरनाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है, इट पे 15-20 सेशंस, इट हैज अ कॉस्ट, बट इट्स नॉट अ कॉस्ट, इट्स अ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इन द सोसाइटी। And you will be very surprised कि जब आप 5-8 साल बाद देखोगे कि वो इन्वेस्टमेंट जिस पे आपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान पे काम किया, मुझे इम्प्रूव किया, हो सकता है मैं कल जाऊँ आपके पास, मैं नहीं और चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे भी यही काम हो रहा है, वहाँ पे भी ये हो रहा है, तो 5-8 साल में घूम फिर के ना पूरी वर्क फोर्स का कैलेबर ऊपर चला जाएगा, और फिर आप फ्रॉम मैन आवर एक्सपोर्टर्स टू प्रोडक्ट एक्सपोर्टर हो जाओगे या सर्विस एक्सपोर्टर हो जाओगे, राइट? दीज आर माय थॉट्स, एंड आई थिंक वी नीड टू डिस्टर्ब द लर्निंग एंड डेवलपमेंट। खुर्रम साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है बीच में कि यार आप गाड़ी चलाते हो सड़क पे बगैर लाइसेंस के, तो आपको चलाना हो जाता है। आप उससे ज़्यादा सीरियस बात कर रहे हो कि यू आर डीलिंग विद सो मैनी पीपल, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो और आप लाइसेंस भी नहीं हो। अच्छा, आपने कुछ सर्टिफिकेशंस की हुई, यहाँ से सर्टिफिकेशंस कर ली, वहाँ से भी कर ली, तो चैलेंज विद सर्टिफिकेशंस है कि इट गिव्स यू गुड ब्रांडिंग माइलेज, बट डज इट गिव यू डेप्थ? ये मेरा आखिरी और अगला सवाल है, जिसके दो एंगल्स कह लें आप, ठीक है? एक तो ये कि जो सर्टिफाइड बन भी गए हैं ट्रेनर्स, उनका जब मैं सेशन अगर लूँ भी तो मुझे उसमें कोई सब्सटेंस नहीं दिखता, ठीक है? ये हो सकता है आपको नहीं दिखता और एक और बंदे के लिए बहुत हो, जो साथ वाला ग्रुप है, फॉर एग्जांपल लाइक ग्रुप हैज द सेम काइंड ऑफ मेजॉरिटी हैज द सेम काइंड ऑफ
ऑब्जर्वेशंस अबाउट द सेशन कि कोई सब्सटेंस नहीं दिखा, ठीक है, तो ठीक है, एक फैंसी चीज है, उसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे जो ट्रेनिंग को डिजाइन कर रहा है अपने एम्प्लॉइज के लिए इंटरनली, उसने राइट टॉपिक फॉर द राइट पीपल एंड राइट ट्रेनर नहीं हायर किया, मैचिंग तो वो कैसे होगा? दूसरा सवाल, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस का हम एक देख रहे हैं आउटलुक के, एकदम जब ये ईयर ऑफ कल्चर अनाउंस हुआ है 2022, तो इसमें क्या हुआ है कि सब ऑर्गेनाइजेशंस ठाठा ट्रेनिंग करवाना चाहती हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये रिक्वायरमेंट है भी इस बंदे की कि नहीं है, ठीक है, और बस एक बजट है उसको खर्च करना है, ठीक है। अब उसमें अगर ट्रेनर सर्टिफाइड भी हैं, सब्सटेंस नहीं है या वो चीज़ नहीं है जो कि इस एम्प्लॉय को चाहिए टू डेवलप और ग्रो, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सारा देखें, आप खुद एक कल्चर ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट हो एंड यू आर ग्रूमिंग लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज में आप सेशंस रन कर रही हो और आपके पास काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो आपने मीट करना होता है। आप उसमें ये देखो कि हो ये रहा है कि कल्चर इसलिए आ गया बिकॉज कंपनी से जो उनके बायर की एक्सपेक्टेशंस है ना, वो एक्स वाई जेड है। नाउ दिस कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बायर, तो बायर जो माइंडसेट मांग रहा है वो आपने माइंडसेट अपनी कंपनी में लाना है, और वो जो माइंडसेट है उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ना, दैट इज कल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच यू हैव टू इंट्रोड्यूस, कल्चरल रीसेट एंड कल्चरल रीसेट करना है आपने अपना, और उसके बाद आपने उसको इस तरह करना है कि ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाए, विच मीन्स एनेबल्ड एनवायरनमेंट दे रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, यू आर ट्रस्टेड एज अ प्रोफेशनल, यू आर बीइंग कॉम्पनसेटेड वेल फॉर व्हाट यू आर डूइंग, राइट, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, एंड आपका मैं लाइफ प्लान देख रहा हूँ और आपका करियर प्लान इज पार्ट ऑफ योर लाइफ प्लान। जब मैं आपकी एज अ लाइफ ओनरशिप लेता हूँ तो क्या होता है कि उसके अंदर मैं देख लेता हूँ कि भाई ये इसका है कि स्टार्टिंग है, फिर सो ऑन सो फोर्थ, लाइफ पे ये चेंजेस आएंगे, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पे शी शुड ग्रो टू दिस लेवल बाय द टाइम शी हिट्स 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, बाय द टाइम खुर्रम साहब हैं, कोई और बंदा है, कि ये 40 साल का होगा तो बच्चे इतने बड़े होंगे वगैरह वगैरह। इफ़ ऑल ऑफ योर फ्यूचर arriving liabilities can be capitalized today and you should start investing in them, na banda chhod ke jayega, he'll be very productive. Main misal logon ko deta hu, aaj kal itne sare wo aa rahe hain ki 15000 rupaye mahina kist pe plot hai, 10000 rupaye, 5000 rupaye, to 3 marle 5 marle, apne har employee ke naam pe plot le lo aap, एंड 5 साल में वो प्लॉट जो है उसके नाम पे हो जाएगा, एंड 50% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50 आप कर रहे हो, तो अगर उसे छोड़ के भी जाना है ग्रेसफुली इसको जाने दो, वो प्लॉट 100 रुपये का था, अब वो जब बेचेगा तो 300 रुपये का है, बट ही विल फील गया कंपनी टेकिंग ओनरशिप ऑन मी, ठीक है। तो सॉलिड आजकल के जो लोग हैं, जो जनरेशन है, वो पफरी पे और हवा पे नहीं जा रही, वो दे वॉन्ट टू टेस्ट द वॉटर्स कि यार इसमें वाकई कंपनी चेकिंग केयर ऑफ मी। देखो मेरा प्रोविडेंट फंड इन्होंने इस तरह नहीं किया कि 8% मैं दे रहा हूँ, 8% कंपनी दे रही है, 16% कुछ नहीं बन रहा उसका। सेम अमाउंट इज गोइंग इनटू सम रियल स्टेट, सम अदर इन्वेस्टमेंट विच इज जिसका कैपिटल गेन्स हो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो फिर आपने एज प्रोफाइल देखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, डिफरेंट एज प्रोफाइल के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि आप कहते हो ह्यूमन कैपिटल, बड़ा प्राइड लेते हो हमारा ह्यूमन कैपिटल डिपार्टमेंट है, ह्यूमन कैपिटल में आप इंसान को लाइफ स्टॉक समझना शुरू हो जाते हो, ह्यूमन रिसोर्स तो ये बहुत है मेरे पास, ये रिसोर्स इस्तेमाल की डिप्रिशिएट होगी, खत्म होगी, ह्यूमन बीइंग्स फैसिलिटेशन सर्विसेज शुड बी द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। फैसिलिटेशन कर रहे हो, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो एज पर हिज इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। अब वन साइज फिट ऑल जो है ना माना गया, चले हम जल्दी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लॉन्च करेंगे जिसमें खालिद साहब को हम ह्यूमन बीइंग फैसिलिटेशन सर्विसेज का हेड बनाएंगे। खुर्रम साहब, एक आपसे लास्ट सवाल, बहुत लंबी बात की, हमें मौका ही नहीं दे रहे खालिद साहब। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगी हूँ कि चूंकि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इंस्पायर करना है लोगों की लर्निंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के थ्रू, एक अगर आपको मौका दिया जाए, व्हाट डिसरप्शन यू वुड लाइक टू ब्रिंग इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, क्या लाना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ एज अ टॉप ट्रेनर आपकी क्या थॉट्स इवॉल्व हुई हैं?
इस पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम तमाम व्यूअर्स को एक कॉन्सेप्ट सिखा दें कि पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का फ़र्क समझ लें। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो याद रखें हमेशा बाहर से आती है। कंपनी कहती है कि गो लर्न दिस स्किल, यू नीड टू एक्वायर दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, और अगर आप नहीं सीखोगे तो कंपनी विल फायर यू या कंपनी विल नॉट प्रमोट यू। जॉब की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जिसकी बुनियाद पर यू आर डेस्टिन्ड टू गो एंड लर्न इट। पर्सनल डेवलपमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा अंदर से आती है। आज घर जाते हुए ऑफिस से किताब खरीद लूं, कंपनी ने नहीं कहा कि आप जाके 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल खरीदो, द आर्ट ऑफ गुड लाइफ खरीदो और जाके पढ़ो, और फिर उसके आपने खुद से अपने आप से कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मैंने आज अपनी एक वीडियो बनानी है और मैंने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि मेरी बोलचाल कैसी है, मेरा टोन कैसा है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसी है, और मैं 10 वीडियोस बना के इसको इम्प्रूव करूंगा। ये किसने कहा? खुद का। तो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी खुद ले लें। हमने आमतौर पे ये कंपनीज पे डाली होती है, कंपनीज कहती हैं तो हम कर लेते हैं वरना नहीं। तो अगर हम ये अंदर से आवाज आने लगे और उसको सुनने लगे और उस पर अमल करने लगे तो फिर क्या होता है कि फिर कोई लिमिट नहीं है आपकी ग्रोथ की, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फ़र्क समझने के लिए हमेशा हम एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देते हैं कि ट्रेनिंग हमेशा होती है सर्कस में जानवरों की। सही। अच्छा, किसी शख्स को कहना कि यार तुम जानवर तो नहीं हो, वो माइंड कर जाता है उसको, यार तुम शेर हो, कहता यार वाह मैं चीता हूँ, ये भी तो जानवर ही। हमेशा सर्कस में जानवरों की ट्रेनिंग होती है, शेर को सिखाया जाता है जंप करना, बार बार कराया जाता है। ट्रेनिंग मींस रिपीटेडली एक फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए कि फिजिकली यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू डू दैट इन लेस टाइम, मोर एफिशिएंटली, एक्यूरेटली। और जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल चीजों की नहीं होती, बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होती, बॉडी की ग्रोथ होती है। क्योंकि डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते उस तरह से जैसे कि आप हवा से खमसा से मेजर कर सके, टच कर सके, फील कर सके, देख सके, टेस्ट कर सके। तो डेवलपमेंट होती है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इंटेलेक्ट भी आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर मतलब उसको। और अब जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि सारा बहुत बहादुर है, तो बहादुरी का कोई सबूत दिखा दीजिए, सबूत नहीं होगा इसका, मुजाहरा कर सकती है। तो अगर ये कहें कि आज मैं शेर से फाइट करूंगी तो हम सब क्या कहेंगे इनके लिए? सायरा बहुत बहादुर है, पागल भी, एक ये भी है कि पागल। हमेशा याद रखिए जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनका सबूत पेश करते हैं। मसलन आप कहते हैं मैंने PhD किया, हम कहते हैं कहाँ से किया, आप कहते हैं ये डिग्री है मेरे पास। द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितना इंटेलेक्चुअल है आप। सो हमेशा ट्रेनिंग करते हैं आप जूनियर स्टाफ की, जैसे मशीनिस्ट है, जैसे ऑपरेटर है, ड्राइवर है, पायलट है, उनसे वो चीज़ बार बार करवाते हैं। लीडर्स की आप डेवलपमेंट करते हैं, मैनेजर्स को लीडर बनाने के लिए आपको उनकी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स की जिसको जो भी नाम दें आप, उसकी आप डेवलपमेंट पे काम करते हैं। और डेवलपमेंट में क्यों करते हैं कि ये शख्स अपने हिसार से बाहर निकले, कंपनी को देखे, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। एक चैलेंज ये है कि फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में भी जो आप ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, Is it 1 year's experience repeated 10 times or 10 years experience? उसको भी हमें समझना है। अगर आप ग्रो नहीं करके गए इन 10 years time उस काम से ऊपर 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 और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक नहीं आ गए या उससे ऊपर नहीं चले गए, तो दिस मीन्स कि आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स पे तो कमांड आ गई, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हुई। तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को साथ लाने के लिए आप जब कहते हो 10 years एक्सपीरियंस, तो उस पर ठीक है आपको टेक्निकली और ये वो चीज़ें आती हैं, लेकिन साथ साथ यू कैन शो इट इंटेलेक्चुअली थ्रू योर टॉक्स, थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बाय गिविंग सॉल्यूशंस फॉर दोज प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक कारोबारी दुनिया भी रोज़मर्रा के चैलेंजेस में इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कि वो ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं, देयर फैड्स, लेकिन इसके ऊपर इन ट्रू स्पिरिट काम नहीं कर पा रहे। ऑल्दो देयर इज अ स्टेटमेंट, और वो डिनाई करते हैं इस बात को, कहते हैं नो वी आर वेरी फोकस और ये वो, बट वी डोंट फाइंड द विजिबिलिटी ऑफ सो सच इनिशिएटिव्स दे आर टेकन
taking in the market or anywhere. Exactly. और मेरे ख्याल से temperature बहुत high हो गया हमारे discussion का. But next in the next session, you know, I would like to understand and I would like to challenge both of you and we will talk about it. कि क्या पाकिस्तानी जो corporate sector है, जो पाकिस्तानी business community है, या जो लाहौर की स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी या कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो इंटेलेक्ट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए या इंटेलेक्ट माइनिंग के लिए या इंटेलेक्ट के लिए रेडी भी है कि नहीं? क्योंकि अभी जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो ये है कि आपको एक स्ट्रीट स्मार्ट इंसान होना चाहिए, देन यू आर सक्सेसफुल. और इवन इफ यू नीड अ ट्रेनिंग और दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट, यू नो, बट वी विल नॉट टच इट टुडे. We will keep it for the next, thing. और इसमें इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, लीडर डेवलपमेंट एंड ऑल दैट. तो मेरे ख्याल से तो ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डू लीडर्स वॉन्ट टू बी चैलेंज्ड और नॉट. Sara, you have excited me and there is a, you know, I really want to talk a lot about it because I think this is the direction we need to understand first before we move forward. तो नेक्स्ट सेशन में भी क्योंकि वॉबल हार्ट से अगर हम करने जा रहे हैं तो पहले तो आप लोगों का वॉबलिंग प्रोसेस ऑन कर दें. वॉबल हार्ट, माय हार्ट इज ऑलवेज वॉबलिंग एंड विद ऑल सच क्वेश्चंस, यू नो, बिकॉज़ यू हैव चैलेंजिंग योर ओन सेल्फ. खुरम साहब ने कहा कि आपकी एपेटाइट और कैपेसिटी कितनी है टू लर्न न्यू थिंग्स. किताब खरीदी आपने, हैबिट्स ऑफ सेल्फ, यू नो, बहुत सारी किताबें हर टॉपिक पे हैं, लेकिन अल्लाह भी उसी को हदायत देता है जो हदायत का तलबगार होता है. तो एनीबॉडी हु रियली वांट्स टू इंप्रूव हिमसेल्फ एंड ग्रो अप विल ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशंस टू व्हाटएवर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दे आर फेसिंग. हाउएवर, आइडिया ट्रेनिंग इज हियर टू हेल्प एनीबॉडी लुकिंग फॉर एनी सपोर्ट, गाइडेंस, असिस्टेंस और डायरेक्शन सेटिंग दिस एज ऑफ डिसरप्शन, देन मिस्टर खुर्रम आपकी इतनी खूबसूरत बात को एक फिक्रे में अगर सम अप करें तो एक बड़ा फेमस कोट है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स. सो यू नीड टू शो योर रेडीनेस एंड देन यू विल सी द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर टू हेल्प यू. सो show us and tell us in the comments what topics you want us to cover in this Wobble Heart series. We will keep a check on that and we will try to incorporate all of those concepts in our podcast. Thank you so much, both of you, Mr. Buddha and Mr. Happy Face. So Wobble Hearts, hearts are wobbling because of uncertain times. How to stabilize them? Need a stabilizer. And where is the stabilizer? Where to find it will appear in the next sessions. Thank you very much. Thank you. Thank you.